हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि सोलर पैनल का बिहेवियर कैसे होता है जब उसके ऊपर आप ठंडा पानी डालेंगे और एक उसका अपोजिट आप उसमें गर्म पानी डालेंगे। तो देखिए, अभी धूप हो रखा है बहुत बढ़िया, ठीक है, चार्जिंग चार्ज हो रहा है अभी मेरी दोस्तों बैटरी। मैंने पानी का एक मग में लिया है, ठंडा पानी है, आइस क्यूब डाल दिया है, ठीक है। अब ये पूरा ठंडा पानी है और ये गला नहीं है, तो अभी चलिए इसको शॉर्ट सर्किट करंट दिखाते हैं। आपका अभी पेंसोनल के सामने कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, सबसे ज़्यादा अभी करंट दे रहा है और टाइम दिखा देता है, दिन के 1:30 बज रहे हैं। देखिए दोस्तों, दिन के 1:30 बज रहे हैं। ये जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ ठंडा गर्म पानी का, ठीक है, सोलर पे, ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। अभी गर्म पानी भी हो रखा है, तो तुरंत मैं आपको अभी बिना बिना कुछ के शॉर्ट सर्किट करंट दिखाता हूँ। देखिए, नोट कीजिए इसको, 2.33, ठीक है, इसको नोट कर लिए। चलिए इसको फट से गर्म पानी, ठंडा पानी डालते हैं इसमें, तो ये वाला पानी डालते हैं, फिर आके देखते हैं कितना एम्पियर आता है। चलिए चलते हैं इसको। ठंडा पानी डाल दिया, देखते हैं करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखिए, 2.4 हो गया, मतलब 2.33 से 2.07 एम्पीयर का अंतर आया इसमें, ठीक है दोस्तों। देखिए, यही अंतर था ठंडा पानी में, मतलब ठंडा अगर ये सोलर पैनल आप करेंगे तो आपका करंट बढ़ेगा, ठीक है। देख लिया आपने, 2.4 हो गया, 2.33 से 2.4, मतलब 0.07 एम्पीयर का उछाल आया, बढ़ा करंट। अब इसमें गर्म पानी का टेस्ट करते हैं, तब तक सोलर को थोड़ा नॉर्मल होने देते हैं। इसके आइसक्यूब नीचे गिरे हुए हैं, तो अभी भींगा हुआ है तो करंट बढ़ गया था। इसको थोड़ा सूखने देते हैं, फिर इसमें गर्म पानी डाल के चेक मैंने करेंगे। गर्म पानी कर लिया है, देखिए भाप उठ रहा है इसमें, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए अभी जो पहला करंट था, शॉर्ट सर्किट करंट जो है 2.33 था, फिर से हो गया है क्योंकि फिर से नॉर्मल हो गया सोलर पैनल। अब मैं क्या करूँगा, फट से इसमें गर्म पानी डालूंगा, फिर देखता हूँ कि करंट क्या होता है, बढ़ता है घटता है, ये सारे शॉर्ट सर्किट करंट है। चलिए फट से डाल के आते हैं। चलिए अब गर्म पानी डालते हैं, ये भाप उठ रहा है पूरा। करंट देखिए घटा है, बढ़ा, करंट फिर से बढ़ गया, मतलब गर्म होने पे भी ये करंट बढ़ रहा है। इसके अपोजिट हो गया दोस्तों जो मैं सोचा था, एक्चुअली ये उल्टा हो गया और बढ़ गया करंट, जो ठंडा किया था उससे ज़्यादा गर्म में बढ़ गया, ठीक है। 2.33 था तो 2.42 हो गया, इसका मतलब है कि करंट और बढ़ता है। ये एक्सपेरिमेंट दोस्तों रियल है, कोई भी फेक नहीं किया गया है, आपके सामने सब था। तो देख लिया आपने कि इसका कंक्लूजन क्या निकला है, कि ठंडा करने पे भी करंट बढ़ता है और ज़्यादा गर्म करने पे भी करंट बढ़ता है। वो जो पानी था दोस्तों खौला हुआ था, लगभग खौलने वाला था, मतलब 100 से ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर था उसका। देखिए फिर से ये घटने लगा है, फिर से 2.33 में आ जाएगा। तो मैं दिखाते हैं आपको, एक बार पैनल दिखा देते हैं फिर से आपको। देखिए दोस्तों, ये गर्म हो रखा है पैनल, सूख गया था जल्दी ही। इसका क्या कंक्लूजन निकला दोस्तों, कि ये जो पैनल है दोस्तों अपना पॉलीक्रिस्टलाइन है, तो जब हम इसमें ठंडा पानी डालते हैं तो क्या है, कूलिंग इफेक्ट के कारण करंट बूस्ट होता है, ठीक है। जो कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये, तो करंट यहाँ धूप होता है तो क्या है, गर्म होता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, इस चक्कर में इसका जो करंट है दोस्तों वो थोड़ा घट जाता है, थोड़ा घट रहा है, ज़्यादा नहीं घट रहा है, 0.07 एम्पियर का घट रहा है, ठीक है। और जब हम गर्म करते हैं तो इसमें क्या है, सोलर का जो कंडक्टर है वो उसमें सडन उछाल आया, क्योंकि उसमें हम फिर से हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो जो उसका सोलर से बिजली बनाने की कैपेसिटी है वो बढ़ गई, तुरंत बढ़ी फिर तुरंत घट गया होगा। देखिए फिर से हम एक बार चेक करते हैं थोड़ी देर में, देखिए 2.33 के आसपास फिर से आ गया। तो ऐसा नहीं है वो सडन उछाल आया लेकिन फिर से घट गया, लेकिन दोस्तों एक मेन वो है, जब आपकी गर्मी का दिन आएगी तो आपका ये करंट घटेगा, बढ़ेगा नहीं सडन। वो क्या, आपका पैनल थोड़ा ठंडा रहता है तो तुरंत जैसे ही गर्म बढ़ा तो करंट तो दे देगा, लेकिन क्या है, ये नॉर्मल जो रहता है गर्मी के दिन में वो आपका थोड़ा डाउन ही होगा, उस समय गर्म ठंडा मतलब उस समय करंट कम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस समय पैनल ही इतनी गर्मी हो गर्म रहता है कि वो आपका पानी जितना जितना मैंने पैनल पानी डाला उतना ही उस समय गर्म रहता है, तो उससे ज़्यादा वो बढ़ना ही नहीं है, उससे कम ही होगा वो। तो यही अंतर था, देख लिया आपने, टेस्ट कैसा लगा दोस्तों।
कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट के अनुसार ही वीडियो बना दूंगा। कैसा लगा वीडियो दोस्तों? वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।